क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास, जिसमें हमने क्या बताना है कि फंक्शन आपके पास इवन है, ओड है, नाइदर इवन और ओड है या नहीं है। अब सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 9 है जी आपके पास, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के आपके पास टोटल 6 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के आपके पास टोटल 6 पार्ट हैं, ठीक है यार। अब अभी तक अगर आपने हमारे चैनल मैथ्स की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सारे काम छोड़ के आपने हमारे चैनल मैथ्स की दुनिया को लाजमी सब्सक्राइब करना है और लाइक पे भी क्लिक करना है, ठीक है। फिर आप लास्ट में भूल जाती हैं यार, इस वजह से मैं बार बार याद करवा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए इवन फंक्शन क्या है, ओड फंक्शन क्या है। आपके पास इवन फंक्शन क्या है, आपके पास इवन फंक्शन क्या होता है, आपके पास ओड फंक्शन क्या होता है, इसको जरा समझ लें फिर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक होता है इवन फंक्शन, एक होता है ओड फंक्शन। इवन फंक्शन हमारे पास क्या होता है, जो टू के टेबल पे डिवाइड होते हैं ऐसे नंबर जो टू के टेबल पे डिवाइड होते हैं, और ओड नंबर ओड फंक्शंस क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो टू के टेबल पे डिवाइड बिल्कुल भी कत्ती ना होते हो, नथी ना होते हो, कभी भी ना डिवाइड होते हो, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, ओड नंबर कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इवन नंबर। इवन नंबर की हमने जजमेंट कैसे करनी है, इवन नंबर का हमें कैसे पता लगेगा कि इवन नंबर को हम कैसे जज कर सकते हैं, इवन नंबर को हम कैसे एग्जामिन कर सकते हैं, इवन नंबर को हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये इवन नंबर है या नहीं। अब आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, मैं कहता हूं इवन नंबर फंक्शन फाइंड करने के लिए आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। आपने जस्ट क्या करना है, एक्स को रिप्लेस कर देना है, एक्स को रिप्लेस कर देना है किसके साथ, माइनस एक्स के साथ। यहां पे आपने क्या पुटिंग करनी है, एक्स पुट एक्स बाय माइनस एक्स। आपने एक्स की रिप्लेसिंग किसके साथ कर देनी है, माइनस एक्स के साथ। एक्स को आपने रिप्लेस किसके साथ कर देना है, माइनस एक्स के साथ। अगर जब आप इस एक्स को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करेंगे, जब आप इस एक्स को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस करेंगे, जब आप इस एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, अगर तो वो फंक्शन अगेन वही फंक्शन आ गया जो फंक्शन था, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज अ इवन फंक्शन। अगर आपने एक्स को माइनस एक्स के साथ रिप्लेस किया, अगेन वही फंक्शन आ गया, तो वो फंक्शन हमारे पास इवन फंक्शन होगा। अगर आपने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, अगर घूम फिर के वो फंक्शन हमारे पास दोबारा फिर वही फंक्शन आ गया, तो वो हमारे पास इवन फंक्शन होगा। अब ओड फंक्शन क्या होता है, ओड फंक्शन हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है बच्चों, ओड फंक्शन हमारे पास क्या होता है, ओड फंक्शन हमारे पास ऐसा होता है जिसमें हम पुट करते हैं एक्स बाय माइनस एक्स। यहां पे एक्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस एक्स से। एक्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस एक्स के। एक्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस एक्स से। जब हमने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया तो घूम फिर के वो फंक्शन नहीं आया, घूम फिर के वो फंक्शन नहीं आया और माइनस बाहर आ गया, तो वो हमारे पास क्या होगा, फिर वो हमारे पास ओड फंक्शन होगा। वो फिर हमारे पास क्या होगा, ओड फंक्शन होगा। अगर किसी फंक्शन में एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स में, एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स में, कि जब हमने माइनस एक्स पुट किया तो घूम फिर के वो फंक्शन दोबारा नहीं आया, माइनस बाहर आ गया, तो वो हमारे पास क्या होगा, इवन ओड फंक्शन होगा, ठीक है। वो हमारे पास फिर क्या होगा, ओड फंक्शन होगा, ठीक है। कुछ केसेस में इनमें से, इन क्वेश्चंस में से कुछ केसेस में ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, ना तो फंक्शन इवन होगा ना ही वो फंक्शन ओड होगा, तो नाइदर वो फंक्शन क्या होगा, ना तो वो इवन होगा ना ही ओड होगा। उसकी निशानी क्या है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, आपके पास एक फंक्शन है इज नॉट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, इज नॉट इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स एंड ऑल्सो इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। इस तरह की अगर कंडीशन आ जाती है, ना तो वो फंक्शन ओड है ना ही वो फंक्शन इवन है, तो हमारे पास वो फंक्शन फिर कौन से होंगे, वो फिर नाइदर फंक्शन होंगे। नाइदर फंक्शन से मुराद क्या है, ना तो वो जुफ्तदाद है ना ही वो तागदाद है, ना ही वो इवन है ना ही वो ओड है। इसको आपने अपने रजिस्टर्स पे किसी जगह पे लिख लें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 1 देखें। सबसे पहले हमने चेक करना था कि वो इवन ओड, वो फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन है या फिर ओड फंक्शन है। अब देखें इसकी हम जजमेंट कैसे करते हैं, जज आपने एक्स को किससे रिप्लेस कर देना, माइनस एक्स से। हम यहां पे पुटिंग करते हैं, पुट करना है एक्स बाय माइनस एक्स। जस्ट आपने क्या करना है, एक्स को रिप्लेस कर देना माइनस एक्स में। इधर आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर क्यूब प्लस माइनस एक्स, ठीक है। अब देखें, अब आपको पता है यहां पे अगर पावर आपके पास अगर ओड में है तो नेगेटिव साइन स्टिल नेगेटिव में रहते, इधर आ जाएगा माइनस एक्स की क्यूब प्लस माइनस माइनस एक्स, ठीक है। अब देखें इन दोनों में से आपके पास कॉमन क्या आ गया, इन दोनों में से सिर्फ आपने साइन को कॉमन लेना है, ठीक है। इधर माइनस कॉमन आ गया, तो बाकी क्या रह गया, एक्स की क्यूब प्लस एक्स, ठीक है। अब देखें ये जो फंक्शन था, ये देखें फंक्शन आपके पास क्या था, एक्स की क्यूब प्लस एक्स, एक्स की क्यूब प्लस एक्स, माइनस बाहर लिख दें, इधर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। अब देखें
ये आपके पास जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, हमने बात की थी कि एफ ऑफ एक्स में जब हम माइनस पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स में जब हम माइनस पुट करेंगे, अगर घूम फिर के वो दोबारा फिर फंक्शन आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, तो वो हमारे पास फिर ओड फंक्शन होगा। हम इसे क्या लिखेंगे, दिस इज अ ओड फंक्शन, ठीक है, ये हमारे पास फिर एक ओड फंक्शन होगा। अब देखें यहां पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू की होल स्क्वायर है। जस्ट आपने क्या पुटिंग करनी है, यहां पे सबसे पहले पुट करें एक्स बाय माइनस एक्स, एक्स को आपने रिप्लेस करना है किसके साथ, माइनस एक्स के साथ। यहां पे एक्स है तो आपने क्या करना है, माइनस एक्स कर दें, और इधर भी एक्स है माइनस एक्स कर दे प्लस टू की होल स्क्वायर कर दें। अब देखें अब क्या हो रहा है, आपके पास फंक्शन था, आपने माइनस एक्स पुट किया, अब आप इसके साथ कुछ भी कर लें वो अगेन वो फंक्शन नहीं बनेगा, तो हम क्या कहेंगे, नाइदर ये अब ना तो ये इवन है, नाइदर इवन और ओड फंक्शन, ये ना तो ओड है और ना ही ये इवन है। थर्ड वाले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड वाला पार्ट आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट एक्स की स्क्वायर प्लस 5। जस्ट आपने क्या करना है, एक्स की रिप्लेस पे आपने क्या लिख देना है, माइनस एक्स, यहां पे माइनस एक्स, इधर भी माइनस एक्स, स्क्वायर रूट इधर माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इधर आ जाएगा माइनस एक्स, अब देखें माइनस एक्स की स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, एक्स की स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। पावर आपके पास किस में है, ओड सॉरी इवन में है, अगर आपके पास पावर इवन में है तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स की स्क्वायर प्लस 5। अब देखें ये वाला फंक्शन चेक करें जरा, और अपना ये वाला फंक्शन चेक करें, सिमिलर है, एक जैसे ही है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। जब आपको पता है माइनस बाहर आ जाए और वो फंक्शन दोबारा फिर आ जाए, तो ये हमारे पास फिर क्या होता है, ये हमारे पास ओड फंक्शन होता है, दिस इज अ ओड फंक्शन। फोर्थ वाले की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ वाला हमारे पास क्या है, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। यहां पे याद रखें उन्होंने लिमिटेशन क्या दे दी है, एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, नहीं तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, जो हमने भी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है। यहां पे देखें, यहां पे जस्ट आपने क्या करना है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 ओवर इधर आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 1। अब आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, हम ना माइनस कॉमन ले सकते हैं, ना माइनस ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये अब बैन हो गया, ठीक है। जब ये फंक्शन बैन हो जाए तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, ना तो ये इवन के जिमने में जा रहा है और ना ही ये ओड के जिमने में जा रहा है। ओड के जिमने में तो इस तरह में जाता ना, जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अकेला अकेला होता, तो हमारे पास इसका एफ ऑफ एक्स, इसका हमारे पास फिर इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास फिर क्या आएगा, दिस इज अ ओड फंक्शन। ये हमारे पास फिर क्या होगा, ये हमारे पास ओड फंक्शन होगा, ठीक है। इसको हम ऐसा करते हैं, ऊपर करते हैं ताकि आपको नजर आ जाए, ठीक है। इसको मैं ऊपर कर देता हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर जी, आपके पास क्वेश्चन नंबर है जी 5 वाला आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। आप देखें हम क्या करते हैं, एक्स को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स में, एक्स को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पुटिंग करते हैं x बाय माइनस एक्स, जहां जहां पे x है वहां वहां माइनस एक्स लिख दें, जहां जहां पे x है वहां वहां माइनस एक्स लिख दें, ठीक है। अब देखें यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। जस्ट x की रिप्लेस पे माइनस एक्स लिख दिया, x की रिप्लेस पे जस्ट मैंने माइनस एक्स लिख दिया। अब हमने ये बताना है कि ये फंक्शन जो है वो ओड है या इवन है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई बड़े ध्यान से करना है। अब आपने इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 2 कर दें और बिग ब्रैकेट लगा के 1/3 कर दें, कोई मसला नहीं है, 2 को अलहदा कर दें, 1/3 को अलहदा कर दें प्लस, ताकि आपके पास जरा सिंप्लीफिकेशन हो सके। इसके बाद आ जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 2। अब देखिए पावर हमारे पास कैसे में आ गई, इवन में आ गई, तो इवन का मतलब क्या है कि आपके पास जुफ्त में आ जाएगा, माइनस साइन खत्म हो जाएगा 2, और इसको आप फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर दें, तो देखें एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। ये जो फंक्शन था ये दोबारा फिर वही फंक्शन बन गया, माइनस अप्लाई करने के बाद हमारे पास वो फंक्शन दोबारा फिर वही फंक्शन बन जाए, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज अ इवन फंक्शन। ये आपके पास फिर क्या है, ये आपके पास इवन फंक्शन है। लास्ट वाला भी कर देता हूं, लास्ट वाला हमारे पास क्या है उसकी जरा वैल्यू हम देख लेते हैं। लास्ट वाला जी आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इधर है एक्स की क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स की स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये आपके पास क्या है, लास्ट वाला पार्ट है। अब देखें सबसे पहले हम करते हैं पुटिंग करनी है एक्स बाय
माइनस एक्स, जहां जहां पे एक्स है वहां वहां क्या लिख दें, माइनस एक्स लिख दें। इधर आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर क्यूब माइनस, इधर आ जाएगा फिर माइनस एक्स, ठीक है। जहां जहां पे x था मैंने माइनस एक्स लिख दिया, जहां पे x था मैंने माइनस एक्स लिख दिया ओवर, इधर क्या आ जाएगा माइनस एक्स की स्क्वेयर प्लस वन एज इट इज। जहां देखें x की रिप्लेस में मैंने क्या लिखा माइनस एक्स, x की रिप्लेस में मैंने क्या लिखा माइनस एक्स, x की रिप्लेस में मैंने क्या लिखा माइनस एक्स, x की रिप्लेस में मैंने क्या लिख दिया माइनस एक्स लिख दिया, प्लस वन एज इट इज आ गया। माइनस एक्स की क्यूब का मतलब अगर पावर आपके पास किस में आ जाए, होल क्यूब में आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि माइनस आपके पास कैमडाइन है, ठीक है। माइनस आपके पास कैमडाइन है, प्लस माइनस माइनस वन आ जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस एक्स आ जाएगा ओवर, नीचे क्या आ जाएगा माइनस एक्स की स्क्वेयर है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा एक्स की स्क्वेयर प्लस वन। इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स की क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स की स्क्वेयर प्लस वन। ये देखें एक्स की क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स की स्क्वेयर प्लस वन, यहां पे देखें एफ ऑफ माइनस एक्स। अब हमने बात की थी कि जब हम माइनस के साइन को अप्लाई करें, अप्लाई करने के बाद वो दोबारा फिर फंक्शन आ जाए, वो दोबारा फिर फंक्शन आ जाए, या तो वो इवन होगा या फिर वो ओड होगा। तो जब हमने माइनस अप्लाई किया इधर आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास फिर ओड फंक्शन होगा, ये हमारे पास फिर क्या होगा ओड फंक्शन होगा, ठीक है। यहां पर हमारे पास कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 1.1। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। मेरी आप स्टूडेंट से रिक्वेस्ट ये है कि आपने मैथ अगर अच्छे तरीके से समझा है तो जब तक बच्चों आप इसकी रिवीजन नहीं ना करेंगे यू आर नथिंग, आपको कुछ भी नहीं आएगा। ये जो मैथ है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये जो कहावतें बनी हुई हैं ये ऐसे नहीं बनी हुई। जब तक आप मैथ्स को अच्छे तरीके से सिंसेरिटी से नहीं करेंगे, समझ समझ के नहीं करेंगे, तो आपको मैथ्स अच्छे तरीके से नहीं आएगा। मेरी ख्वाहिश ये है कि हर स्टूडेंट के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएँ मैथ्स में, हर स्टूडेंट के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएँ। अगर आप मैथ्स की मुझसे तैयारी करते हैं इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स फर्स्ट ईयर इन सेकेंड ईयर एंड ऑल्सो इन एडवांस क्लासेज। आपने क्या करना है यार, आप एजुकेशन के साथ साथ, आप मैथ्स के साथ साथ, मेरी आप स्टूडेंट से, मेरी आप बॉयज से, मेरी आप लेडीज से, मेरी आप गर्ल्स से, मेरी आप बॉयज से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी स्टडी के साथ साथ यार कुछ ऑनलाइन भी कुछ करें। ऑनलाइन करने से मुराद है कि सारी दुनिया यूट्यूब से पैसे कमा रही है, सारी दुनिया यूट्यूब से पैसे कमा रही है। हम पाकिस्तानियों को यही नहीं पता, हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि यार वाकई हम पाकिस्तान यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है बिल्कुल लाशऊर हैं वो, उनको कुछ नहीं पता, उनको कुछ नहीं पता। तो मेरी अब दोस्तों से रिक्वेस्ट ये है कि यार आप डिग्री के साथ साथ आपको पता है जो मेरा सेकेंड ईयर का कोर्स है मैथ्स का, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। लेकिन आपने अगर अपने स्किल्स को बिल्डअप ना किया, यू आर नथिंग, मार्केट में जाके जब आपने अपनी डिग्री लेके जानी है तो आपको डिग्री की बेस पे आपको जॉब नहीं मिलेगी जब तक आपके पास कोई स्किल नहीं होगा। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें वेब डिजाइनिंग के लिए, प्रिपेयर करें अपने आप को मेंटली वेब डेवलपमेंट के लिए प्रिपेयर करें, ताकि यार आप अभी से कुछ ऑनलाइन कर सकें या फिर अपने आप को यूट्यूब के लिए बिल्ड कर सकें, ठीक है। एक कोर्स की जो प्राइस है, अगर आप मेरे से वेब डिजाइनिंग वेब डेवलपमेंट करते हैं तो इंशाल्लाह ताला एक साल में आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप फाइवर से अपवर से पैसे कमा सकते हैं सिर्फ एक साल में। एक लैंग्वेज की जो प्राइस है वो है 300। यूट्यूब से बहुत से बच्चे पैसे कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा दी हुई है। उसका जो कोर्स है सिर्फ 2 महीने यूट्यूब पे लगा लें, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। यूट्यूब का जो मेरा कंप्लीट कोर्स है वो है 1200 रुपीज का। अगर आपको एफएससी सेकंड ईयर का मैथ कंप्लीट चाहिए, जिसमें सारी की सारी एक्सरसाइज सोल्व होंगी, जिसमें सारी की सारी एग्जाम्पल सोल्व होंगी, जिसमें सारे के सारे एमसीक्यू सोल्व होंगे, अगर आपको वो वाली वीडियो चाहिए मेरी, तो व्हाट्सएप पर मैं आपको एक लिंक ऐसा दूंगा जो आपको खुश कर देगा, और जिसकी जो प्राइस है अगर आपको सेकेंड ईयर मैथ्स की कंप्लीट वीडियो चाहिए तो वो है 600 रुपीज। डिफरेंस चेक करें, जो ज्यादा पैसे देगा वो ज्यादा एक्सपेंसिव है। डिग्री आपको कोई पैसे नहीं देगी, ये बात याद रखें। यूट्यूब का अगर आप कोर्स बाय कर लेते हैं 1200 रुपीज का, तो सारी जिंदगी आप मुझे दुआएं देंगे। यहाँ पे हम लेक्चर्स को करते हैं वाइंड अप, साथ साथ इंशाल्लाह ताला मैं आपको समझाता रहूंगा कि ऑनलाइन आपने कैसे पैसे अर्न करने हैं। लेकिन मेरी जस्ट एक बात अपने माइंड में रखें,
आप बहुत इज्जत चाहते हैं तो सिर्फ एक काम करें, अपने वालदैन का एहतराम करें। अगर मैं इस मकाम पे हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने वालदैन की बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। आप अपने वालदैन की इज्जत करें, अल्लाह आपको इज्जत देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक के बटन पे लाजमी प्रेस करें। अभी तक आपने हमारे चैनल मैच की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने हमारे चैनल मैच की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको ना कोई दिल करे कमेंट्स करने को तो लाजमी कमेंट्स करके अप्रिशिएट किया करें। अपना अपने वालदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, नमाज पढ़ा करें। अल्लाह ताला आपको आपकी दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।